हाय फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ होली स्पेशल मावा की गुजिया। बहुत ही आसान रेसिपी है, कुछ ही टिप्स फॉलो करके आप ये क्रिस्पी गुजिया अपने ही घर में बना सकते हो। गुजिया के अंदर देखिए कितना स्टफिंग भरा है। आप ऐसे ही मार्केट से खरीदने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा, तो सेम उसी कॉस्ट में आप उससे भी ज़्यादा गुजिया घर में ही बना लोगे। अभी हम लोग रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं 2 कप यहाँ पे मैदा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो 1 कप मैदा और 1 कप आटा से भी गुजिया बना सकते हो। अभी इस मैदा के अंदर मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट ऐड करने से ना गुजिया का टेस्ट बढ़ जाता है। मैं 2 कप मैदा का गुजिया बना रही हूँ, इसीलिए 2 टेबलस्पून घी इसके अंदर ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून घी एनफ है। आप अगर ज़्यादा घी यूज़ करेंगे मोइन के लिए तो गुजिया ऑयल एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा। अब घी को अच्छा से मैदा के अंदर मिक्स करके ही इसके अंदर पानी डालिए। उससे पहले पानी मत डालिए। देखिए आप, मैं थोड़ा सा मैदा उठा के आपको दिखा रही हूँ, ये अच्छा से बांध रहा है, मतलब मोइन यहाँ पे हमारा परफेक्ट है। अब जब पानी इसके अंदर डालेंगे, एकदम से पानी मत डालिए, धीरे धीरे पानी डालते रहिए और इसका एक सख्त सा डो रेडी करिए। आप अगर सॉफ्ट डो लगाएंगे ना तो ऑयल में जाके गुजिया फट सकते हैं, तो इससे बेटर आप सख्त डो रेडी करिए और उसमें गुजिया बनाइए। मैदा देखिए यहाँ पे अच्छा से रेडी हो गया। ऐसे आप मैदा लगाएंगे तो आप डायरेक्ट गुजिया बना सकते हो, बट मैं इस मैदा को थोड़ा सा रेस्ट दूंगी। देखिए मैदा ऐसे ही होना चाहिए, ज़्यादा नरम नहीं, थोड़ा सा सख्त। अब इस मैदा को मैं एक भीगा कपड़ा से ढक के रख दूंगी, जैसे ऊपर का पार्ट इसका ड्राई ना हो जाए। और दूसरे साइड मैं स्टफिंग रेडी करूंगी। उसके लिए मैं एक पैन के अंदर घी ले लिया। घी पे ही आप सारे चीज़ भुनेंगे ना तो उसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस होगा। मैं यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स काट लिया, काजू, आलमंड्स एंड पिस्ता। इन तीनों को मैं बारीक बारीक चॉप कर लिया। अभी इन तीनों को मैं रोस्ट करूँगी। ये तीनों जैसे ही रोस्ट हो जाएगा तब मैं इसके अंदर किशमिश डालूँगी। आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स गुजिया के अंदर डाल सकते हो। ड्राई फ्रूट्स जब घी के अंदर आप लोग भुनेंगे तो गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करके रखिए। हाई फ्लेम में ड्राई फ्रूट जल सकती है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे ही सब का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा मैं इसके अंदर किशमिश को डाल के भून लूँगी। किशमिश सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ जैसे ही अच्छा से भून जाएगा मैं गैस का फ्लेम बंद करके इसको एक सेपरेट बोल के अंदर ढाल के रखूँगी, जैसे ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब जब भी गुजिया के लिए ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे ना तो पहले उसको अच्छे से काट के ही फ्राई करिए, तो इसमें ड्राई फ्रूट्स इवनली कुक हो जाता है। अभी सेम उसी पैन में मैं 1 टेबलस्पून घी और ले लूँगी। इस घी से हम लोग अभी सूजी को भुनेंगे। अभी मैं इसके अंदर 1/3 कप सूजी डाल दूँगी। ये देखिए ये नॉर्मल सूजी है, आपके पास जो भी सूजी अवेलेबल है उसी सूजी को आप भून लीजिए। अभी सूजी को भी मीडियम टू लो फ्लेम में हम लोग धीरे धीरे रोस्ट करेंगे। बहुत बार हमारे पास टाइम नहीं रहता तो गैस का फ्लेम हम लोग हाई कर देते हैं और उसमें ही सूजी भूनने लगते हैं, तो सूजी जल्दी से अपना कलर चेंज करके बर्निंग स्टेज पे आ जाता है। अब जब सूजी का कलर ऐसे चेंज होगा, इसी स्टेज में मैं इसके अंदर कोकोनट डाल दूंगी। ये डेसिकेटेड कोकोनट है या नारियल का बुरादा भी आप बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1/2 कप नारियल का बुरादा ले लिया। इसको भी मैं सूजी के साथ रोस्ट करूँगी। इसी स्टेज में हम लोग सूजी के साथ ही अगर कोकोनट को भून लेंगे तो हमारा काम जल्दी भी होगा। अभी कोकोनट भी सूजी के साथ अच्छे से भून गया। कोकोनट क्या होता है ना, जल्दी से भून जाता है। अभी मैं दिखा रही हूँ, दोनों का कलर आपको इक्वल लग रहा है ना, तो इसी स्टेज में हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है। और ये सूजी और कोकोनट को ड्राई फ्रूट्स वाली बोल के अंदर ही मैं उठा के रख दूंगी।
अभी इन सब को मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। ये जब तक ठंडा हो रहा है मैं मावा को भी रोस्ट कर लूंगी। ये मार्केट वाली मावा है, इसको मैंने 200 ग्राम्स लिया। आपके पास ऐसे ही मार्केट वाली मावा हो ना तो पहले उसको अच्छा से भून लीजिए, उसके बाद ही गुजिया बनाइए। और आपके पास घर के बना हुआ मावा है तो आप डायरेक्ट गुजिया बना सकते हो। मावा को भी जब आप भूनेंगे तो गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करके रखिए। आप सोच रहे होंगे बार बार मैं गैस के फ्लेम के बारे में बोल रही हूँ, ये छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके ही ना आपका गुजिया परफेक्ट बनेगा। देखिए मावा भी यहाँ पे अच्छे से भून गया है। मैं एक थाली के अंदर मावा को रख दूंगी और इसको स्प्रेड भी कर दूंगी जैसे कि जल्दी से ठंडा हो जाए। इस मावा को फ्रिज के अंदर रख के ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप घर में फैन चला दीजिए और उसी में ये मावा जल्दी से ठंडा हो जाएगा। सारे स्टफिंग को मैं लेके आई, सारा ठंडा हो गया। अभी मैं इसको एक साथ मिक्स करूँगी। मैं पहले सोचा था ये बोल के अंदर ही सारे मिक्स्ड हो जाएगा, तो मेरा ये बोल थोड़ा छोटा पड़ गया, तो इस थाली के अंदर मैं डाल के एक साथ मिक्स कर लूँगी। सारे ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपका जब एकदम ठंडा हो जाएगा तो उसी स्टेज में आप ये पाउडर शुगर इसके अंदर मिलाएंगे। उससे पहले आप पाउडर शुगर इसके अंदर नहीं मिलाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं हाफ कप पाउडर शुगर ले लिया। सारे चीज़ मेरा यहाँ पे ठंडा है तो इसी स्टेज में मैं पाउडर शुगर इसके अंदर डाल के मिला लिया। सारे चीज़ को मैं अच्छे से मिला लेने के बाद इसके अंदर अभी इलायची पाउडर डाल दूंगी। आप चाहो तो इलायची पाउडर डाल के भी सारे चीज़ को मिला सकते हो। मैं थोड़ा पहले डालना भूल गई थी तो इसी स्टेज में मैं इलायची पाउडर डाल दूंगी। इलायची पाउडर मैं हाफ टी स्पून लिया। इस स्टेज में इलायची पाउडर डाल दिया तो अच्छे से और एक बार हम मिक्स करेंगे। अच्छे से मिला देने के बाद मैं पहले जिस बोल के अंदर ड्राई फ्रूट्स को काट के रखा था उस बोल के अंदर सारी चीज को अभी रख देंगे। स्टफिंग यहाँ पे रेडी हो गया। अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस में चलती हूँ। मैदा यहाँ पे पिछले 10 मिनट से रेस्ट था तो इस कपड़ा को उठा के और एक बार इस मैदा को माख लूंगी। अब इस मैदा का थोड़ा सा पोर्शन मैं लेके इसका छोटा छोटा लोइया भी तोड़ लूंगी। अब जब गुजिया बनाएंगे ना तो इसका लोइया पूरी का साइज का ही आप काटिए, रोटी या पराठे का साइज का नहीं होगा। अभी कुछ लोई को मैं गोल कर लूंगी। आप चाहो ना तो ये पूरा मैदे का भी लोइया काट के रख सकते हो, बट गुजिया तलने में टाइम लगता है ना, तब मैं इस मैदे का छोटा छोटा लोई काटूंगी और गुजिया बनाऊंगी। तब तक इसको मैं कवर करके रख दूंगी। ये देखिए एक लोई को मैं यहाँ पे उठा लिया और बाकी को कवर करके साइड पे रख दिया। अभी इसको मैं बेल लूंगी, एक पूरी के माप का मैं बेलूंगी। गुजिया के लिए जब आप मैदा माखेंगे तो उसको अच्छा से माखिए, नहीं तो ये जब पूरी आप बनाएंगे तो साइड से वो फट जाएगी। देखिए एक पूरी मैं यहाँ पे बना लिया। अब गुजिया बनाने का जो मोल्ड आता है मैं इसके अंदर रख के गुजिया बनाऊंगी। इस पूरी का चारों ओर मैं पानी लगा दूंगी जैसे गुजिया अच्छा से चिपक जाए। अभी मैं एक टेबलस्पून इसके अंदर स्टफिंग डालूंगी और इस मोल्ड को प्रेस कर दूंगी। अभी जो इसका एक्स्ट्रा मैदा है ना इसको मैं काट के रख दूंगी। अभी देखिए इस मोल्ड को अभी धीरे धीरे मैं खोलूंगी, कितना अच्छा गुजिया बन के रेडी है। अभी इस गुजिया को मैं एक थाली के अंदर रख दूंगी और इसको एक कपड़ा से ढक के भी रखेंगे जैसे कि ये सूख ना जाए। ऐसे करके मैं कुछ गुजिया बना लूंगी। और एक तरीके से हम लोग अभी गुजिया बनाएंगे, उसके लिए एक लोई को मैं पूरी का शेप का बेल लिया। पूरी का ना ऐसे थिकनेस रहेगा। अभी इस पूरी का चारों ओर मैं पानी लगा दूंगी जैसे इसका मुंह खोल ना जाए। अभी इस पूरी के अंदर भी मैं 1 टेबलस्पून स्टफिंग डाल दूंगी और स्टफिंग डाल के इसका मुंह बंद कर देंगे।
देखिए ऐसे दोनों साइड को आप उठा के पलटेंगे तो इसका मुंह बंद हो जाएगा। अभी इसको अच्छा से हम लोग चिपकाएंगे और एक फोक की मदद से इसका एक डिजाइन बनाएंगे। मैं यहाँ पे दो तरीका से गुजिया बनाना दिखाया, आपका जो इजी लगे वही तरीका आप अपनाएं। इस शेप में भी गुजिया कितना अच्छा लग रहा है। मैंने कुछ गुजिया को बना लिया, उसको अभी फ्राई कर लेंगे। एक कढ़ाई में मैं वेजिटेबल ऑयल ले लूंगी इस गुजिया को फ्राई करने के लिए। अभी देखिए इसमें हम लोग गुजिया को फ्राई करेंगे। अभी मैं एक गुजिया डालूंगी तो आपको दिख रहा है ऑयल कितना गर्म है, तो ऑयल यहाँ पे ज्यादा हॉट नहीं होना चाहिए। अभी इस गुजिया को मीडियम टू लो फ्लेम में हम लोग फ्राई करेंगे। एक स्पून के मदद से मैं गुजिया के ऊपर ऐसे हॉट ऑयल स्प्रेड कर दूंगी, जैसे इसका ऊपर का पोर्शन भी ज्यादा कच्चा नहीं रहे। एक साइड गुजिया का हो गया है तो इसको अभी पलटेंगे। देखिए अभी गुजिया को मैं सारे पलट दूंगी। अब गुजिया को थोड़ा सा टाइम देना, एक साइड को होने देना, देन उसका ऑपोजिट साइड को आप टर्न कर दीजिए। उलट पुलट के अभी सारे गुजिया को मैं फ्राई कर लूंगी। अब यहाँ पे देखिए एक भी गुजिया का मुंह यहाँ पे खुला नहीं है, एकदम परफेक्ट तरीके से गुजिया बना है। एक छन्नी के ऊपर मैं पूरे गुजिया को उठा के रख दूंगी। अभी इस गुजिया को उठा के रखेंगे और तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा हम लोग डाउन करेंगे, उसके बाद ही इसके अंदर फिर सेकेंड बैच गुजिया डालेंगे। एक बैच गुजिया जैसे ही आपका फ्राई हो जाएगा, सेकेंड बैच के लिए आप ऑयल का टेम्परेचर ऑलवेज डाउन करके ही डालिए। ऐसे करके सेकेंड बैच थर्ड बैच पूरा गुजिया को मैंने फ्राई कर लिया। गुजिया जैसे फ्राई हो गया मैं इसका प्लेटिंग भी कर दिया। फ्रेंड्स आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको ये गुजिया बनाते हुए जो भी अनुभव है नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग खुश रहिए, आनंद में रहिए। मैं मिलूंगी अपने कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।